फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए अपडेट के बारे में। मैनेजर मोड क्या है, किस प्रकार से यूज करें, किस प्रकार से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे हम प्रोफाइल में चले जाते हैं, इसमें आप सबसे नीचे आप देख सकते हैं मैनेजर मोड का ऑप्शन, सिंपली उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। आपको एक टीम बनानी है 74 मैचों के लिए। इसमें क्या है, आपको ट्रांसफर्स दिए जाएंगे, मतलब आप खिलाड़ी को चेंज कर पाएंगे, और बूस्टर दिए जाएंगे जिससे आपको दोगुना पॉइंट मिलेंगे। तो किस प्रकार से यूज करना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं मैनेजर मोड में हम प्लेयर ट्रांसफर हैं, बूस्टर्स हैं, उसके बाद आप दे सकते हैं विन कर सकते हैं अच्छे खासे प्राइजेस। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, मतलब ये जो टीम है फ्री में ज्वाइन होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्राइजेस हैं। तो आप दे सकते हैं 1 से 21 मैच तक आपके सामने जो प्राइज, आपका जो लीडर बोर्ड रहेगा उसमें आपको अच्छा खासा जो प्राइज आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो आप दे सकते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, अलग अलग वाउचर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात कर लेते हैं 1 से 21 मैच के प्राइस के बारे में। अब बात करते हैं पर वीक आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पहला वीक की विनिंग आप देख सकते हैं ये मिलेगा, और दूसरे मैच की विनिंग आप देख सकते हैं ये आपको ये मिलेगा, और आपका जो लीडर बोर्ड है, जितना अच्छा आप प्लेयर लेंगे या जितना अच्छा आप बूस्टर लगाएंगे हर मैच में, उस हिसाब से आपके पॉइंट कैलकुलेट होंगे और आपको विनर बना दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड वीक में ये आपको वाउचर देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये तो वीक के हिसाब से था, और ये आपका 1 से 21, मान लीजिए आपका जो रैंक है पहले नंबर पे रहता तो आपको ये मिलेगा, दूसरे पे ये रहेगा। आप समझ गए होंगे कि इसमें वीकली भी है और टोटली मैचों का 1 से 21 मैच के भी प्राइजेस देखने को मिल जाते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री हैं। तो आपको किस प्रकार से ज्वाइन होना है, किस प्रकार से आपको बूस्टर यूज करने हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ज्वाइन पॉइंट फ्री पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। सभी प्लेयर, हर टीम के खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन दिया गया 300 ड्राफ्ट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट मैच, मतलब सबसे पहले आपको अपनी फ्रेश टीम बनानी है। पहला मैच आप देख सकते हैं चेन्नई वर्सेस आरसीबी, सिंपली फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के पहले मैच पर सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले मैच के प्लेयर आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम एक नॉर्मल टीम बनाएंगे, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी टीम का अच्छा खिलाड़ी आपको लगे वो ले लेना है, क्योंकि हर मैच में आप जो खिलाड़ी जो चेंज करेंगे वो जो है जो ट्रांसफ़र के मुताबिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम टीम बना रहे हैं, ये हमने बना लिए, जो अच्छा आपको लगे दोनों टीमों में वो आपको ले लेना है पहले मैच में, और जब लाइन आउट होगा तब आप अपनी टीम को एडिट कर पाएंगे। एडिट ज़रूर करना है, जब भी लाइन आउट होगा तो आपको एडिट ज़रूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको दोनों टीमों को 11 खिलाड़ी ले लेने हैं, आप दे सकते हैं जो भी अच्छा आपको लगे वो आप ले सकते हैं। तो देख लीजिए हमने ये ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आप दे सकते हैं कैप्टन, वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैंने ये कर लिया, आप कर सकते हैं। आप दे सकते हैं अनलिमिटेड कैप्टन, वॉइस कैप्टन अनलिमिटेड बना सकते हैं। हर मैच में जब ट्रांसफर यूज करके आप अलग खिलाड़ी जो चेंज करेंगे अलग अलग टीमों के, वो आपको ध्यान से करने हैं, और कैप्टन जो वॉइस कैप्टन है अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप दे सकते हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है, गोइट पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जब आपका लाइन आउट हो जाता है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आप देख सकते हैं आपको करना क्या होगा, मैनेजर टीम पर सेलेक्ट करना है, और अपनी जो टीम बनाई गई है लाइन आउट के अनुसार जो ग्रीन मार्क आपको दिखाई देगा वो खेल रहा है नहीं खेल रहा वो आपको इसमें पता लग जाएगा, आपको इसमें चेंज कर लेना है। अब बात कर लें बूस्टर क्या है। बूस्टर आपको उन टीमों को यूज कर लेना है जो टीमें अच्छे परफॉर्मेंस करती हैं, जिसके प्लेयर अच्छे हैं, क्योंकि बूस्टर में आपको दोगुना पॉइंट देखने को मिलेंगे। मान लीजिए इसी टीम के जो अच्छे खासे खिलाड़ी हैं उसके अंदर आप बूस्टर लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एडिट मोड में टीम बनाने के बाद एडिट मोड में जाना। आप देख सकते हैं टीम मान ली बना ली, तो मैनेज टीम पर सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बूस्टर, आप देख सकते हैं ऊपर दिखाई दे रहा बूस्टर, सिंपली उस पर टैप कर देना है एक बार। तो आप देख सकते हैं इसमें डबल
पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं टू लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, इस प्रकार से आपको अपना बूस्टर लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं यदि बैटिंग अच्छी आपको देखने को मिल रही है तो बैटिंग पर लगाएंगे, बॉलर की बॉलिंग के, विकेट कीपर यदि अच्छे तो विकेट कीपर के लगाने, जिस मैच में अच्छे विकेट कीपर हैं विकेट कीपर सेलेक्ट करेंगे, ऑलराउंडर होगा ऑलराउंडर लेंगे। और डबल अप मतलब दो गुना पॉइंट ऑल प्ले टीम, मतलब आपको ये लगे कि दोनों ही टीमें अच्छी हैं तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डबल अप, मतलब दोनों टीम अच्छी तो डबल, मतलब आपको पॉइंट अच्छे खासे मिलेंगे। इसलिए मैं क्या करना, तो मान लीजिए मैं बैटिंग पर ले लेता हूँ कि इस टीम में अच्छे खासे बैटर हैं, सिंपली इस पर टैप करूँगा एक बार और अप्लाई कर दूंगा। जैसे हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं टू गुना आपके सामने देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी आपके बैटर आपने लिए होंगे उनको आपको यदि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो दो गुना पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि बॉलर पे लगाते हैं तो बॉलर में शो करता दो गुना, ऑलराउंडर में करता ऑलराउंडर में शो करता, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं टीम सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इस प्रकार से आप जो है मैनेज मोड खेलेंगे और शेड्यूल आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी टीमों का कब कब मैच हुई आपको देखने को मिला, मैच टू थ्री थ्री फोर, उसके बाद स्टेटस हब आपको सामने देखने को मिल रहा है कि कौन सा प्लेयर पहले अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे, इस बेस पर भी आप खिलाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन से खिलाड़ी आपको लेने हैं। अपकमिंग मैच भी देखने को मिल रहा है, इसमें परसेंटेज भी देखने को मिलती कौन विन करेगा। अब थोड़ा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं आपको पता चलेगा मैनेज मोड किस प्रकार। मान लीजिए दूसरा मैच आपका आ गया तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली मैनेज टीम पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फिल्टर पर जाना है। फिल्टर पर जाने से पहले अपने जो खिलाड़ी हैं उनको रेमो कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरे मैच के लिए दिखा रहा हूँ। पहले मैच के तो आप नॉर्मल ही टीम बनाएंगे, ऐसे कर देना है। रिमूव करने के बाद सिंपली फिल्टर पे जाना है, दूसरा मैच सेलेक्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं ये हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम जैसे ही लेंगे तो आपके मान लीजिए इसका जो है क्रेडिट नो है, आप देख सकते हैं नो क्रेडिट है। तो दूसरे मैच में आपके जो ट्रांसफ़र आपको दिए गए हैं दूसरे मैच से जो अवेलेबल होंगे 300 ट्रांसफ़र आप दे सकते हैं, जो 300 में से 9 घट जाएगा। मतलब जितने भी खिलाड़ी आप चेंज करेंगे नेक्स्ट मैच में, मान लीजिए ऐसे ऐसे पॉइंट लगा लगा के आपने कई खिलाड़ी मतलब चेंज कर लिए, मान लीजिए 90 या 80 ट्रांसफ़र आपने कर दिए तो 300 में से घट जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से ही रखना है, जो अच्छा प्लेयर है पहले मैच का है तो उसे रख देना है, छोड़ देना है, ताकि वो आने वाले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस मिले और आपके जो ट्रांसफ़र हैं वे बच पाएँ। इस प्रकार से आपको क्या करना है, दोबारा सेव करना है, कैप्टन वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपना दूसरे मैच में भी लगा सकते हैं, तीसरे, मतलब 1 से 21 मैच में आपको ध्यान से लगाने होंगे ये बूस्टर, जिससे आपके अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिलेंगे। आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी कि जो मैनेज मोड क्या होता है, किस प्रकार से खेलते हैं, इससे आपको किस प्रकार से विनिंग होगी। आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।